एक दो तीन पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पास देखो कौन। दोस्तों इस व्लॉग का थीम है वाटर। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा ट्रिप टू वैष्णो देवी, कैसे इतना ज्यादा चलने के बाद जब पैर टूट गए तो वहां से लौटने के बाद हमने ये किया। दोस्तों होटल ले लिया है, पैरों के बहुत बुरे लग चुके हैं। आने के बाद तो वीडियो बनाई नहीं क्योंकि दम ही नहीं था, पर अब फिर भी 9 घंटे सोने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है। 8 बज रहे हैं कुछ रात के, तो अभी हम चलेंगे कुछ खाना खाने और शॉपिंग करने। अब इस पूरे व्लॉग में इस ट्रिप की बाकी जगह मैं दिखाऊंगा, जो कि ये थी जी तो बाबा के मंदिर, 9 देवी के मंदिर, बाबा दंसर और शिव कोरी। और वहां से होते हुए हम वापस पहुंच गए जम्मू। तो यार सबसे पहले करी शॉपिंग, शॉपिंग इज डन। होटल में उसके बाद थोड़ी मस्ती की, चिप्स कोल्ड ड्रिंक ऊनो के साथ बिताई पूरी रात। और यार पुराने ब्लॉग की ख्वाहिश भी पूरी हो गई, एक पैकेट मैगी मिल जाए तो यार फर्स्ट स्टॉप था जी तो बाबा के मंदिर। अबे ये तो वैसी नजी है। उनकी पूरी कहानी लिखी है, चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो बोर्ड पे। ये सब देखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था 9 देवी के मंदिर। नंगे पैर हो चुके हैं और जा रहे हैं 9 देवी के मंदिर। इतनी ज्यादा धूप और गर्मी में इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ के जो गए हैं तो यार पैरों की तो बैंड ही बज गई। भी एक एक्सपीरियंस है। पर वहाँ के केव वाले मंदिर में जब गए तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। और दोस्तों देखो यार ये व्यू, ओशेटी तो नहा रहे हैं, भागो यहाँ से। वेल इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बाबा धनसर के मंदिर, जहाँ पे एक वाटरफॉल भी था। और ये क्या फिर से इतनी सीढ़ियाँ। वहाँ का मिनी वाटरफॉल काफी ज्यादा पीसफुल और शांत था। वहाँ पे तुम घंटों बैठ सकते हो। हाँ जैसे कि मैं तो सीधा नहाने आया था ना मंदिर के बीचों बीच। वेल उसके बाद गए मंदिर के अंदर, पर मंदिर के बाद ये देखो पत्थर हैं नीचे, एक्चुअल वाटर का एक्सपीरियंस मिला। ये देखो पानी, खुद ही देख लो यार, वीडियो में पता नहीं चल रहा है लेकिन इतना चिल्ड पानी था ना कि हालत खराब हो जाए। पर किसी तरह हिम्मत जुटाई और आप लोग जानते हो यहाँ पे फोटोज अच्छी आती हैं जैसे कि ये सब, पर उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है जानते हो क्या? तेरी बना रहा हूँ वीडियो में। पहाड़ों के ऊपर जंगलों के पास देखो कौन अपने शहर आया यार। और ये सब खत्म करके फाइनली हम गए शिवकोरी की तरफ। और इतना चलने के बाद 3.5 किलोमीटर और चलना था। आ गए हैं शिवकोरी और यहाँ पे घूमेंगे अब, लेट्स गो। पर यार मस्ती के बिना कैसे चलेगा। और 1 घंटे लग गए पूरे ऊपर चढ़ने में, और उसके बाद 1 घंटे लाइन में भी खड़ा होना पड़ गया। लेकिन अंदर इतनी पतली गुफाएं थी ना कि वो भी अपने आप में एक पूरा एडवेंचर ही हो गया, और वो चीज़ उस 1 घंटे वाली लाइन को वर्थ इट बना दिया। इस पूरी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था जम्मू की तरफ, जहाँ पर हमें 1 रात गुजारनी थी और अगले दिन जम्मू भी घूमना था। लेकिन इस सब के बीच में एक सबसे कूल एक्सपीरियंस तो रह ही गया, रिवर राफ्टिंग। तो यार अब जा रहे हैं राफ्टिंग, राफ्टिंग करने। कौन सी नदी में? चेनाब। चेनाब नदी, मजा आने वाला गाइस। यस और फुल रेडी होके पूरा का पूरा राफ्टिंग कोर्स 5 मिनट में कर लिया। देखो चप्पू चलाना, आगे बढ़ाना, लहराई तो गिर मत जाना, पूरा रिस्क आपको उठाना। एंड देन राफ्टिंग शुरू हो गई। बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था यार। उस पूरे वक्त आपको लगता है कि अगर एक ऐसी लहर आ गई जिसने बोट पलटा दी तो क्या होगा। पर बात तो चलाने की हुई थी, ये कब था भैया। चिल पानी में गिरा के ये आदमी पूछ रहा था कैसा लग रहा है। नहीं नहीं मजा आ रहा है, मन कर रहा है यहीं लटका रहा हूँ हमेशा के लिए, थैंक यू फॉर आस्किंग। अब इससे मन नहीं भरा इस आदमी को तो उसने लॉन्ग जंप भी करा ली, और मेरे साथ तो धोखा ही हो गया।
पर इसके बाद इतनी गर्मी में अपने को मिला डॉर्मेट्री, वो भी एसी वाली, जिसका रात भर एसी तो बहुत दूर की बात है, पंखा भी नहीं चला। इसलिए बाहर आ गए और बाहर मस्त कूड़ा उड़ता हुआ देख लिया। तो यार अगले दिन जम्मू के मशहूर मंदिर में गए और उसके बाद एक फिश म्यूजियम भी गए। मंदिर बहुत आदमी चला गया, फिश म्यूजियम चलेंगे और 70 रुपये देखी है, छोटी मोटी मछलियाँ देख ली, क्या फ़ायदा है, इतना कुछ नया भी नहीं था यार देखने को। अब इनकी आँखें कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी मछली हो क्या। इतनी गर्मी थी कि हम सीधा चल दिए वेव मॉल, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ मॉल से अच्छा एसी आपको कोई नहीं दे सकता। और उसमें भी सोचा आराम से सिनेमा में बैठ के देखते हैं, कुछ ना कुछ मनोरंजन ही हो जाएगा। तो देखा मूवी लगी जुरासिक वर्ल्ड, और यार आराम से एसी वाली कुर्सी पे बैठ के बड़े बड़े जानवरों को लड़ते हुए देखने से अच्छा और क्या हो सकता है। एंड दैट्स इट, यही था पूरा सफ़र। अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसके फर्स्ट पार्ट को भी देख लो यार, ट्रिप टू वैष्णो देवी ब्लॉग 12 फिल्म रिव्यूज़ को भी चेक करो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए। छोटी मछली हो क्या।